तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर कर लिया है और उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से कोई भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ़ोन में फ्लिपकार्ट ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपने जो भी ऑर्डर कर लिया है उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। आपने जितना भी ऑर्डर किया होगा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों मुझे ये पहले वाले प्रोडक्ट को कैंसिल करना है तो आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एक एडिट ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे नीचे में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ब्लू वाले पर। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे रीजन देना है कि आप किस रीजन से इस प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए जिस रीजन से आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पर इसका रीजन लिख देना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैंसिलेशन कन्फर्म हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट के कोई भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।